जिसने बोला कल बीत गए पल, जिसने बोले परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज वही करेगा राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, कल परसों का चक्कर छोड़िए और आज में जिए, आज में मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट कल जरूर बेहतर होगा। और अब भी वक्त है, पढ़ लो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले सोशल साइंस का स्पेशल वीडियो की, इसमें हम लोग 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी का सपना होता है कि सोशल साइंस में 90 प्लस लाए, और इस वीडियो में जैसा कहता हूं अभी से भी ऐसा करते हो ना तो 90 प्लस आ सकता है मेरे दोस्त, समझ लो। तो बिल्कुल कल के चक्कर में छोड़िए, परसों के चक्कर छोड़िए, आज में मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट कल, और कल का आपका फ्यूचर जरूर ब्राइट होगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपके जितने सारे जो दोस्त जो भी क्लास 10th में पढ़ते हैं और 20 मार्च को जो सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, उनको जरूर एक बार शेयर कर दीजिए ताकि उनको सटीक जानकारी मिल सके। आपका एक शेयर किसी को बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है, ठीक है। किसी को शेयर करना, किसी को फायदा पहुंचाना, आपका कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। देखिए दोस्तों क्या है और किस प्रकार हम लोग अभी से पढ़े, क्या क्या चीज पढ़े ताकि हम लोग का बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए, चलो देखते हैं। तो आपका एग्जाम पता है दो टाइप का होगा, एक होगा ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का और एक होगा सब्जेक्टिव जो भी 40 नंबर का होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि यही टेंशन देता है, यह टेंशन नहीं देता है सब्जेक्टिव, मैं बता रहा हूं ना। हाँ, भले ऑब्जेक्टिव टेंशन देता है लेकिन इसमें आप लोग दोस्तों 40 में 40 स्कोर कर सकते हो। भले इसमें टेंशन लगता है बट ये 40 में 40 स्कोर कर सकते हो, कैसे भी बता रहा हूं। और सब्जेक्टिव में दोस्तों 40 में स्कोर कर सकते हो बट इसमें थोड़ा सा आप महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को रीड लिखना पड़ेगा ना। थोड़ा सा गलती लिखोगे तो आपको उसमें नंबर कटने का सामना, बट इसमें नंबर कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। आप सही नंबर सही किए हो तो बिल्कुल सही नंबर मिलेगा, सही गोला कर देना सही नंबर मिल जाएगा। कैसे कैसे करेंगे सर पढ़ाई, कैसे करेंगे तैयारी? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोस्तों कहीं से भी आ सकता है किताब में से, ठीक है। और इसमें क्या खामियां होता है कि अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर आता है तो आप लिख लोगे, और अगर नहीं आता है ना तो आपका नंबर कट जाएगा। मतलब इसमें ना नुकुर वाली आधा उधी वाले कुछ बात नहीं होते, न मिलेगा तो एक और नहीं मिलेगा तो जीरो। जी हाँ, तो इस कहां से पढ़े सर? तो अगर आप लोग चैप्टर वाइज कुछ किए हो, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो अगर संभव हो सके ना तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर कर लेना। और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे गेस्ट पेपर में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या, और आप लोगों को हमारे जो एप्लीकेशन उसमें भी चैप्टर वाइज कराया था, उसमें आप लोग देख सकते हो। चैप्टर वाइज करना आपका बहुत उसमें टेंशन बहुत हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये चीज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, ये बहुत जरूरी है। अगर ये कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो देखो आप क्या क्या कर सकते हो। अब जो जो चीज बोलने वाला हूं सभी को करना है। ये सबसे मेन पॉइंट था कि आपको चैप्टर वाइज अगर किए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करे हो तो कुछ कुछ जरूर कर लेना, ठीक है। अभी वक्त है। मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप, जो भी आप लोगों का मॉडल पेपर है 2021 से लेकर के 23 तक का, क्योंकि दोस्तों 21 से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पैटर्न शुरू हुआ था जो जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है, एक एक क्वेश्चन को जरूर कर लेना। और दोस्तों आप लोगों को जितना सारा मैं वीडियोस देता हूं ना, वो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो मेरा एक भी वीडियो जो आता है मिस मत करना, ठीक है। और आप लोगों को दिखाने के लिए अलग अलग वीडियो में ला रहा हूं, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, सभी को देखिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अलग अलग, सब चैप्टर वाइज कर लोगे बहुत सारा क्वेश्चन मैच हो जाएगा। तो मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 21 से 23 तक का, ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्या सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप लोग का 2022 में एग्जाम हुआ था, क्योंकि 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं था और 23 में भी होने वाला है ना, तो जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर जरूर करना। बोलो सर आधा आधा सिलेबस तो है, पिछली बार आधा ऑब्जेक्टिव आधा, कुछ तो क्वेश्चन मिलेगा ना। 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों का मैच करेगा ना, ठीक है, मतलब आधा मैच तो करेगा ना, तो बिल्कुल जरूर करना। ये सब पढ़ोगे तो क्वेश्चन मैच करना ही करना है। टाइप पता चला है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झारखंड बोर्ड का पैटर्न क्या है, और रिलेट टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों सब्जेक्टिव कैसे पढ़ना, मैं तो अभी बता रहा हूं इसमें कि कैसे आप लोग पढ़ाई करना है ताकि अच्छा नंबर लाओ। लेकिन जब आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ोगे ना तो उसको ऑब्जेक्टिव बनाकर भी पढ़ सकते हो। जैसे पूना पैक्ट का समझौता का पूरा विस्तृत जानकारी ले रहे हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था, बन गया दो ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार जब सब्जेक्टिव पढ़ोगे ना तो उसको रिलेट करना, रिलेट टू सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत हद हेल्प हो जाएगा। तो ये जरूर करना, इसलिए मैं कहता हूं हर एक बार की सोशल साइंस को रटना नहीं, ऑब्जेक्टिव में दोस्तों कुछ कुछ आपको रटना पड़ेगा। जैसे कुछ डेट्स हो गया, कुछ ईयर्स हो गया, कुछ जगह का नाम हो गया, कोई लड़ाई का नाम हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। बट बहुत सारी चीजें पर समझना भी होता है। सब्जेक्टिव में तो आपको मैक्सिमम समझना है, कुछ डेट्स से भी याद रखना होता है, और रिलेट टू सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ना। तो सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो उसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत कवर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर रिवीजन। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन जरूर करना,
ठीक है। और रिवीजन के लिए आप लोग शाम का जो आप लोग को चलता है ना क्लास लाइव, वो जरूर अटेंड करना। आज भी अभी इसके बाद होने वाला है 7 बजे, क्योंकि आज आप लोग ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए अभी इसके बाद 7 बजे वीडियो चलेगा, तो उसमें जरूर आना। 6:30 बजे डेली लाइव होता है, तो जरूर ये चीज करो। ऑब्जेक्टिव आपका गारंटीड बहुत बढ़िया जाएगा, क्योंकि पिछले बार अगर विद्यार्थियों को रुलाया था तो ऑब्जेक्टिव नहीं रुलाया था, सब्जेक्टिव नहीं संभाला था पिछले बार, और बच्चे का नंबर कहां से आया था, जो चैप्टर वाइज करके गए थे ना वो बाजी मारे थे। और इसलिए जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब में, वो चैप्टर वाइज भी होंगे, आप लोग का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी होंगे, सारा चीज। अगर आप लोग खुद से किसी गेस्ट पर से पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन करो, कैसे भी करो बट करो, खुद को झोंको, मेहनत करो, घिसो खुद को, तभी नंबर आएगा। और आज ही दोस्तों मौका है कि आज पढ़ लोगे तो 22 तारीख को आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अभी आपका वक्त है 16, 17, 18, 19, 4 दिन बहुत समय होता है, लेकिन 4 दिन सिर्फ सोशल साइंस को मत देना, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ो थोड़ा थोड़ा करके, हाँ सोशल साइंस को थोड़ा ज्यादा वक्त देना शुरू कर दो, क्योंकि इसका एग्जाम सामने आ रहा है, ठीक है। और आज आप मेहनत करोगे, खुद को आज तपाओगे, तो कल खुद को सोना बनकर निखार पाओगे, और कल खुद आप सोना बनकर निकलोगे। तो इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव में कहां से पढ़े ये बता दीजिए। तो देखो सब्जेक्टिव में आप लोग प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर प्लस क्वेश्चन पर 2021 से लेकर 23 का, सर 21 में भी जारी हुआ था क्या है, 21 का भी दोस्तों 3-3 सेट है, ठीक है। मैं आप लोग को सब्जेक्टिव करा दूंगा, चिंता मत करो, सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके मैं आप लोगों को सारा चीज करता हूं, उसका टेंशन मत लो, आप लोग को ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। मैं 2022 का सारा करवा चुका हूं, और भी वीडियोस अपलोड होंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी बताया था, ठीक है। और मतलब सभी का निचोड़ का हूं ना, तो सब्जेक्टिव में दोस्तों अगर सिर्फ मेरा वीडियो देख करके जाओगे समझ लोगे तो 40 में, मतलब अगर दोनों का क्यों ना, तो 90 प्लस कोई नहीं के रोक सकता आपका। चलो सब्जेक्टिव की बात करता हूं, सब्जेक्टिव में अगर सिर्फ मेरा वीडियो देख जाओ 40 में 40 ला सकते हो। हाँ, आपको अपने लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा, लिखने का शैली अच्छा करना पड़ेगा तब, क्योंकि मैं हमेशा आपको कभी रटने की सलाह नहीं देता हूं, सोशल साइंस में कभी रटने की सलाह नहीं देता हूं भाई साहब। एक एक आंसर होता है इतना बड़ा बड़ा, एक आंसर को रटोगे तो आधा घंटा लग जाएगा, पूरा दिन में 4 घंटा पढ़ोगे तो कितना सवाल याद होगा, 8 सवाल याद होगा, 8 सवाल में एग्जाम देने जाओगे, 10 दिन पढ़ोगे तो 80 सवाल समझ लोगे ना। तो क्वेश्चन कैसा भी रहे खुद को बना, उसको बना के लिख सकते हो। तो बस इस प्रकार से पढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, और सिर्फ सोशल साइंस में ही 2-4 घंटा नहीं दोगे ना, बाकी और भी अन्य सब्जेक्ट करने हैं, अन्य विषय करने हैं। तो इसलिए मैं समझाता हूं, समझो वीडियो को, ठीक है। हाँ, अगर कोई रट सकता है जल्दी, किसी में कहा स्टेमिना है सर मैं रट सकता हूं, तो बहुत बढ़िया, आप रट लो, कोई दिक्कत वाली बात, ये नहीं कहता कि रटो नहीं, लेकिन हाँ आप समझ जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो वीडियो को चीज को भूलोगे नहीं। मैं रिलेट करवा देता हूं, समझा देता हूं, ये लड़ाई क्यों हुआ था, इनके बीच ये तनातनी क्यों हुआ था, ठीक है, इटली एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी एकीकरण कैसे हुआ, सारे जो महत्वपूर्ण सवाल मैं करवा देता हूं। मेन पॉइंट आपको याद रखना है भाई, मैं पूरा जो पढ़ाता हूं उसको याद नहीं रखना है, आप पूरा वीडियो मेरा देख लिए, लेकिन मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सब्जेक्टिव में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, और आपका डिपेंड करेगा लिखने का शैली कैसा है, उस पर नंबर आएगा। तो लिखने का शैली मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं, किस प्रकार से आंसर लिखा जाता है, आप लोगों को टॉपर्स का कॉपी दिखा दिया हूं, उस प्रकार लिखो, आराम से 90+ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज है सोशल साइंस में, अगर इतना कर लोगे तो मान लो 90+ आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो मेहनत करो, अब भी मौका है, ठीक है। बाधाएं बहुत सारी आएंगी, आपको रुकने का बहुत प्रयास किया जाएगा, ठीक है, और हर एक तरह से, लेकिन आपको उन बाधाओं में रुकना नहीं है। बाधाएं हैं कौरव दल से, उन सब पर तुम कूच करो, और अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो, बिल्कुल उस योद्धा की तरह, अर्जुन की तरह, जिस जैसे मछली की आंख में छेद किया था ना, आप लोग सीधे जाके बोर्ड पेपर में छेद करना, यानी कि एक भी सवाल मिस मत करना, सभी को फोड़ के रख देना, खुद में उत्साह जगाओ, जुनून तो आप लोग में है ही, मेहनत करो और सीधा फोड़ के आना, बस पढ़ो इतना। और मैं जितने वीडियो अपलोड करूं जरूर देख लेना, और ये चीज आप कहीं से भी कर सकते हो, ये नहीं कहता मैं मेरा ही वीडियो देखो भाई, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव में आप देखोगे तो आसान हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ देख लेना, ठीक है। चलो, मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ है, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, जिस प्रकार से वीडियोस देख रहे हो मेहनत कर रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।